पिछले 9 वर्षों में करोड़ों देशवासियों ने जन भागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य से भारत को प्रगति और उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर किया है। एक और अहम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं वही करोड़ों कदम, संग लहराने परचम टीबी मुक्त भारत का। जहां दुनिया ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है, वहीं भारत ने इस चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को 2025 तक हासिल करने की ठानी है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को बखूबी दर्शाता है। टीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और टीबी उन्मूलन के मुद्दे को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कॉमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या NTEP को देश भर में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक और दूरदर्शी नीतियों की मदद से देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल सक्रिय रूप से जारी है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क जांच और इलाज सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भारत में निर्मित आधुनिक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनें जांच प्रणाली में सटीकता और अधिक गुणवत्ता ला रही हैं। सरकार द्वारा ऐसी 5,090 मशीनें देश भर की लैब्स में उपलब्ध कराई गई हैं। ये 2014 की तुलना में 12,000% से ज्यादा की वृद्धि है। बेहतर उपचार परिणामों के लिए विभिन्न नई कम अवधि वाली दवाओं को भी विकसित किया गया है। टीबी पीड़ितों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT द्वारा टीबी रोगियों को 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2018 से अब तक 80 लाख के करीब टीबी पीड़ितों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी के मामलों की खोज और उपचार में गतिशीलता आई है। 2,55,000 अतिरिक्त मरीजों का निदान हुआ है। टीबी से जुड़ी सेवाओं को देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी उपलब्ध कराया गया है। भारत के देशवासियों ने टीबी को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी को दिल से अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप टीबी मुक्त भारत की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के तहत आम नागरिक भी टीबी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभी तक 71,000 से ज्यादा निक्षय मित्रों ने लगभग हर एक कंसेंटिंग टीबी पीड़ित की देखरेख का उत्तरदायित्व लिया है। ये सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इन दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जहां विश्व भर में टीबी पीड़ितों की संख्या 11% से कम हुई है, वहीं भारत ने कई ज्यादा की कटौती दर्ज की है। 2022 में 2014 के मुकाबले 56% ज्यादा टीबी पीड़ितों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली में दर्ज किया गया है। दुनिया को हमारा वादा है कि टीबी मुक्त भारत का ये जन आंदोलन इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं। मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान,